मेरा नाम सोमजी सिंह ते अगर तुम जॉब रेडी कर रहे हो तो ये वीडियो तुहाडे वास्ते आ। तुम शेफ की जॉब रेडी कर रहे हो या तुम स्किल असैसमेंट कर रहे हो, ये वीडियो नूं तुसी देख के आपका टैसट पास कर सकते हो। अज की जिहड़ी वीडियो आप गल कर रहे हैं वो आप गल कर रहे हैं कि तुसी डिलीवरीज नूं किद्दां रिसीव करते हो, तो जिहड़े डिलीवरीज के सिनैरियो बेस क्वेश्चन होंदे आपां उहनां बारे अज गल करांगे। मान लो जे एग्जामिनर तुहाडे तों क्वेश्चन पुछदा है कि तुसी डिलीवरीज किद्दां रिसीव करते हो, तुहाडी डिलीवरीज कदों आउंदियां वा, तुहाडे सप्लायर के नाम की आ, तो कि चीज़ा तुसी डिलीवरी ऑर्डर करते हो, तुसी किद्दां डिलीवरी ऑर्डर करते हो, टैंपरेचर किद्दां चैक करते हो, तुसी उहनूं कूल रूम च स्टैक किद्दां करते हो। अज आपां इहदे बारे सारियां गल्लां करांगे कि तुसी किद्दां उहनां नूं डिलीवरी नूं रिसीव करते हो। सब तो पहला जिहड़ा क्वेश्चन है कि तुहाडियां डिलीवरीज किद्दां आउंदियां। तुसी जिहड़े भी रेस्टोरेंट च काम करते हो तुसी उहनां नूं दस सकते हो कि साडी आ वाले दिन साडियां डिलीवरीज आउंदियां ने। फिर वो पूछ सकते कि तुहाडे सप्लायर के नाम की ने। हुण मोस्ट ऑबवियसली जे तुसी उत्थे काम करते हो तो तुहानू तुहाडे सप्लायर्स के नाम पता होने चाहिए और तुहानू ये भी पता होना चाहिए कि किस किस दिन तुहाडी डिलीवरीज आउंदी है। फिर वो तुहानू पूछ सकते ने कि जो डिलीवरीज आउंदियां वा तुसी सब तो पहला की करते हो, या इहदे विच इही क्वेश्चन पूछ सकते कि तुसी डिलीवरीज किद्दां ऑर्डर करते हो। ठीक है, हुण इहदे विच मोस्टली कन्फ्यूज़ होए ने कि असीं डिलीवरी किद्दां ऑर्डर करते हैं, तो ये कई वे होंगे डिलीवरी के ऑर्डर करने। मोस्टली जो आप गल करिए कि आम रेस्टोरेंट के विच तुहाडे सप्लायर के ग्रुप बने होंगे, तुसी ये चीज़ नूं राइट डाउन करते, एक टैंपलेट्स होंगे हरेक ऑर्गनाइजेशन के, उत्ते जिहड़ा भी तुसी ऑर्डरिंग करना वा तुसी देखते हो स्टॉक इन हैंड किन्ना वा, किन्ना तुसी स्टॉक ऑर्डर करना वा, तो उहदे बिहाफ ते तुसी उहनूं कैलकुलेट करके ते एक डिलीवरी डॉकेट ते सारा कुछ लिखते हो भी कि चीज़ां असीं ऑर्डर करनियां। फिर उहनूं एक्चुअली जां ते तुसी ईमेल रख के ईमेल करके तुसी सप्लायर नाल कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर उहनां दे एक मोस्टली पोर्टल बने होंदे वड्डियां ऑर्गनाइजेशन दे जिथे तुसी लॉगिन करके सप्लायरां दे एक स्पेसिफिकेशन कोड होंदे आ तुसी ऐड करके ते तुसी सप्लायर नूं ईमेल भेज सकते हो। अदरवाइज स्मॉल रेस्टोरेंट के विच तुहाडे ग्रुप बने होंदे आ, तुहाडे सप्लायर के नाम होंदे आ, तुहाडे कोल एक टैंपलेट सैट हुंदा वा जिहदे विच तुसीं ऑर्डरिंग हर करदे हो, तो उहदे विच ऐड कौन कर देने हो भी किन्नी सानूं क्वांटिटी चाहिए है ते किन्नी सानूं अमाउंट चाहिए वा, उहदे हिसाब नाल तुसीं उहनां नूं मैसेज भी सैंड कर देने हो, ईमेल्स दे नाल भी कर देने हो। राइट, सो ये वाली चीज़ां या फोन करके भी कई तुसीं प्लेस कर सकते हो डिलीवरी। सो ये वाले वे हैगे आ डिलीवरीज ऑर्डर करन दे। राइट, मोस्टली या तो आप ग्रुप वट्सएप के ग्रुप बने होंगे उन्होंने मैसेज सेंड करते हैं या फिर ईमेल करते हैं। ठीक है जी, हुण तुसी डिलीवरी नूं किद्दां, सब तो पहला किद्दां परचेज ऑर्डर प्लेस किया जाता वा, ऑर्डर नूं परचेज करने वास्ते ऑर्डर प्लेस किया जाता वा, ईदर फोन और ईदर ईमेल। ठीक है, या फिर वाया फोन। सब तो पहला परचेज ऑर्डर जिहड़ा तुसी उन्हां नूं पाउंदे हो, फिर उस तो बाद वो इनवॉइस जनरेट करते हैं जो डिलीवरी लैके आउंदे तुहाडे कोल या तुहानूं मेल च आ जाता। हुण की हुंदा कि तुसी जदों डिलीवरी रिसीव करदे हो कि चीज़ां ध्यान च रखनी होंदियां। दो तरीके हैगे तुसी डिलीवरी रिसीव करन दे। पहला, हमेशा तुहाडे कोल लेज़र गन होनी चाहीदी आ टैंपरेचर चैक करन वास्ते। जे तुहाडे कोल लेज़र गन नहीं है तो तुसी थर्मामीटर जिहड़ा प्रॉब हुंदा वा उहनूं यूज़ कर सकदे हो, वो भी एक्चुअली हैल्प्स टू रिकोगनाइज़ द करैक्ट टैंपरेचर। हुण जदों डिलीवरी तुहाडे कोल आई है तुसी सब तो पहला ये रिलेटेड ही क्वेश्चनस ने डिलीवरी के, जिदा जिदा मैं क्वेश्चन आंसर करी जाऊँगा वो ही मैं एक अद्धा सनैरियो बेस क्वेश्चन होगा जोड़ा कि तुम दसदा जाऊँगा। जो तुम डिलीवरी रिसीव करोगे सब तो पहला तुम कह सकते हो कि जो अं डिलीवरी रिसीव करते हो असी चैक करा साढ़े जो भी असी परचेज ऑर्डर से स्पैसीफिकेशन पाई आ आइटम जी मैच हो रही है, वह स्पैसीफिकेशन सेम आ, क्वालिटी क्वानटिटी टपरेचर यूज बाय डेट बेस्ट बिफोर डेट लेबल्स डैमेज पैकेजिंग इंटैक्ट ये वाली सारिया चीज़ा तुम्हें डिलीवरी से चेक करनी होंगे। राइट, जे फ्रोजन आ तो फ्रोजन हार्ड हो, जे फ्रैश आ तो सारे ईवन, जे वैजिज आ तो सारिया ईवन कलर होनिया चाहिए, कोई उन्होंने ब्रूज नहीं होने चाहिए, अनईवन कलर नहीं होना चाहिए। जे तुसी फ्रैश चिकन ऑर्डर किया तो टैंपरेचर करैक्ट होना चाहिए वा, वो डल कलर च नहीं होना चाहिए, स्मैल नहीं आनी होनी चाहिए, आवलियां चीज़ों का ध्यान रखना। जे डेयरी आ तो बेस्ट बिफोर या चीज़ आ तो बेस्ट बिफोर डेट तुहानू पता होना चाहिए कि एक्सपायर तो नहीं हो रही जल्दी, है ना। ये वाली चीज़ा तुम्हें चैक करनी, जो मान लो कोई मीट आ जो प्रॉप की जी तुम शार्प एज आ जी निब आ उन्होंने मीट के पा के देखते हो
दैन यू चेक द करैक्ट टैंपरेचर। कोई भी डिलीवरी तुसी रिसीव करदे हो जे फ्रोजन आ तां -18 degrees और अबव, और जे फ्रैश आ तां उहदा टैंपरेचर होना चाहिए 0 to 5 degrees। ए वालियां और वेजिज मोस्टली इट्स ओके टू एक्सैप्टेबल बिटवीन 6 degrees to 8 degrees टैंपरेचर, वो एक्सैप्टेबल आ। हुण इहदे विच क्वेश्चन आउंदे आ कि तुसी जो डिलीवरी रिसीव करते हो, मान लो उहदे विच पैरिशेबल आइटम्स भी आउंदियां, हुण कईयों नूं इह नहीं पता होना पैरिशेबल आइटम्स की हुंदियां है ना, या फिर पोटेंशियली हैजर्ड फूड कहड़े होंगे, तो आप इन्हों पर एक मैं सैपरेट वीडियो बनाऊंगा, पोटेंशियली हैजर्ड मैं हुण नहीं गल करूँगा। हुण तो वो चेक कर सकते कि तुसी इन्हां नूं कूल रूम च किदां स्टैक करते हो, ठीक है। तुसी इह कह सकते हो कि जो असीं डिलीवरी रिसीव करते हो मेक श्योर करते हैं कि जिहड़ी फ्रोजन आ फ्रोजन च जाए, जिहड़ी फ्रैश आ फ्रैश च जाए, और जिहड़ा वैजिज आ वैजिज जाए। कूल रूम दे विच अड्ड अड्ड सैक्शन बने होंदे आ, वैज दा, नॉन वैज दा, कुक दा, अनकुक दा, डेयरी दा, वैजिज दा, है ना, सी फूड दा, ब्रैड्स दा, वो सारे सैक्शन बने होंगे। हम तुम कह सकते जो असं डिलीवरियां स्टैक करांगे कूल रूम दे विच, असीं मेक श्योर करांगे कि जिहड़ा ओल्ड स्टॉक आ उहनू असीं फ्रंट ते लैके आवांगे, जो यूज़ होने वाला असीं उहनू फ्रंट ते रख के उत्ते लेबल ला देंगे कि यूज़ फस्ट, जो एक्सपायर होने वाला स्टिल वी विल पुट यूज़ फस्ट लेबल, या फिर उत्ते ला देंगे कि एक्सपायर्ड दी डेट उत्ते ला देंगे कि एक्सपायरिंग ऑन दिस, प्रायोरिटी लिख के यूज़ फस्ट लेबल ला के तुसी उन्हें यूज़ कर सकते हो, ताकि वो चीज़ खराब ना होवे, ताड़ी मेन्यू च यूज़ हो जाए एंड यू जनरेट ए प्रॉफिट आउट ऑफ इट, है ना। ये वाली चीज़ कोई भी ओल्ड स्टॉक पिया वा उन्हें असी फ्रंट ते लेके आवेंगे, जिहड़ा नवा स्टॉक होगा उन्हें वापस बैक ते स्टोर करांगे, प्लस जे उहदे विच कोई चीज़ खराब होने वाली हुई तो उन्हें असी लेबल ला के स्पैसीफाई करांगे। एंड ओलसो जिहड़ी ओरिजिनल बॉक्सेस दे विच कोई चीज़ आ तो उन्हें ओरिजिनल बॉक्सेस दे विच नाल स्टोर करांगे, बट जे कोई ओपन आ तो मेक श्योर करांगे उन्होंने क्लीन कंटेनर दे विच, सील्ड कंटेनर दे विच उन्हें रख के तो उन्हें लेबल ला के स्टोर करांगे। जिहड़ी रो आ बॉटम शेल्फ ते, जिहड़ा कुकड आ मिडल शेल्फ ते, जिहड़ा ब्रैड्स आ या फिर ड्राई आइटम्स आ ऑन द टॉप शेल्फ। सो आ वालियां चीज़ां दे जिहड़े क्वेश्चन ने वह डिलीवरी दे नाल तुहानू पुछ सकदा कि जो तुसीं डिलीवरी रिसीव करदे हो किदां स्टैक करदे हो, किदां उहनू हैंडल करदे हो, ते किदां उहनू तुसीं स्टोर करदे हो, ते की चीज़ां तुसीं चैक करदे हो जो तुसीं डिलीवरी रिसीव करदे हो। हुण जिद्दां तुहानू उह चीज़ां दसियां कि तुसीं आपदे स्पैसीफिकेशन दे नाल उहनां नू मैच करोगे जो जो तुसीं ऑर्डर किया, अगर उहदे विच कोई चीज़ नहीं सही तो तुसीं की करोगे, ये भी क्वेश्चन हैगा। जे आ तुहानू मैं इहदे दो तीन पार्ट दे विच वीडियो बनावांगा, क्योंकि आई थिंक इहदे विच होर भी चीज़ां हैगियां जिहड़ियां ऐड ऑन करन वालियां हैगियां। अगर आ तुहानू वीडियो वधिया लगी हुई तो तुसीं इस चैनल नू सबसक्राइब कर लो सारे, तो ये मैनू भी हौसला हो रहा है कि तुसीं सारे मैनू सपोर्ट कर रहे हो एंड तुहानू भी नॉलेज मिल रही है, तो इट्स गुड हैल्प फॉर एवरी वन। जिहड़ा भी कोई भैण भरा तुहाडा जॉब रेडी कर रहा, तुसीं ये वीडियोज़ उन्हां नू फॉरवर्ड कर सकते हो या चैनल का लिंक सेंड कर सकते हो। नवीं नवीं वीडियोज़ जिहड़े क्वेश्चन पूछे जाते उन्हां दी वीडियोज़ बना के मैं इस चैनल पर पोस्ट कर रहा कंटीन्यूअसली, तो जे आ वीडियो तुहानू पसंद लगी होए तो तुसीं चैनल नू सबसक्राइब करना ना भुलना। मेहरबानी, चढ़दी कला, रब रखा, सत श्री अकाल।